हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट बीसीसी स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं, या तो फिर आप यूजीएससी वाले स्टूडेंट हो या तो बीसीसी पीसीएम वाले, दोनों काउंसलिंग के थ्रू आप लोग का एडमिशन फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड का हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, सीट वैकेंट होने के कारण आप लोग का स्पेशल राउंड कंडक्ट हुआ है और बहुत से स्टूडेंट जो अपना बिलिंगनेस दिए थे और साथ में जो स्टूडेंट फ्रेशर थे यानी कि जे मेंस का एग्जामिनेशन दिए थे तो फिर से वो फॉर्म फिलअप किए थे और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग का जो कि काउंसलिंग प्रोग्राम आ चुका है, यानी कि जो स्टूडेंट यूजीएससी वाले हैं यानी जे मेंस के थ्रू आए थे, या तो फिर आप बीसीसी पीसीएम वाले स्टूडेंट हो, उसका एग्जामिनेशन दिए हो, उसके बेसिस पर दोनों का काउंसलिंग अभी आ चुका है। काउंसलिंग ये मोड जो है आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है, जो कि आपको आईएएस भवन पटना आपको जाना होगा। अब बात आ जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब जाना है नहीं जाना है, और साथ में वैसे कैंडिडेट के लिए मैं बताऊंगा जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, फिर से वो बिलिंगनेस दे दिए थे कि अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो ले लेंगे, तो उनको क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, और जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको क्या लेकर जाना है, ये सारा चीज पर मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से आपको अपडेट देता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको जब एडमिशन हो जाता है तो मैं बताता रहूंगा कि किस तरह से आपको आगे पढ़ाई करनी है। ओके, तो चलता हूँ मैं। सबसे पहले दोनों चीजें पर बात करूंगा, एक तो यूजीएससी वाले, सबसे पहले यूजीएससी वालों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सबसे पहले आपको रैंक चेक कर लेनी है कि आपका कितना रैंक आया है। रैंक चेक कर लो या नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आप पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाना, वहां पर मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया हूं उन सारा स्टूडेंट्स का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था स्पेशल राउंड में। तो लगभग बहुत सा बच्चा है, 500 हजारों स्टूडेंट ज्वाइन है और हजारों स्टूडेंटों का स्पेशल राउंड है यूजीएससी के लिए। तो फ्रेंड्स, वहां पर आपको कैसे चेक करनी है, तो वहां पर जो है आपका यूजीएससी आईडी लिखा हुआ होगा डेट बाय, जैसे कि आप लोग का 21 या 23 तारीख से ऐसे स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग। ओके, तो आप लोग का काउंसलिंग है जो वहां पर आपको यूजीएससी आईडी लिखा हुआ है, यूजीएससी आईडी आपको मिलाना है और आपका डेट मिलाना है कि कब जाना है आपको, 30 तक शायद है। ओके, 30 तक आपको काउंसलिंग चलेगा, उसमें अपना डेट बाय देख लेना, अपना यूजीएससी आईडी मिलाकर कि मुझे कब जाना है। ओके, उसमें टाइमिंग भी बताया गया है कि कब किसको बुलाया जा रहा है, उसमें यही चीजें है। और साथ में जो बीसीसी वाले स्टूडेंट हैं, बीसीसी वालों का भी सेम प्रोसेस है, वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना या तो फिर मेरे टेलीग्राम में देख लेना, बीसीसी का वो मेरी लिस्ट आया था यानी कि जो स्पेशल राउंड का, वो मैंने डाल दिया हूं वहां से देखोगे तो रोल नंबर वाइज आपको बुलाया गया है कि किस डेट को कौन सा रोल नंबर वालों को बुलाया जा रहा है। तो उसी तरह से आपका जब काउंसलिंग हो जाता है यूजीएससी वाला का, उसके बाद बीसीसी वालों को बुलाया जाएगा। ओके, डेट बाय आपको बुलाया जा रहा है। अब बात आ जाता है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको क्या करना है, तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको एडमिशन स्लिप और जो बोनाफाइड मंगा लेना कि सर मुझे बोनाफाइड बना दीजिए ताकि मैं स्पेशल राउंड में जा रहा हूं, अगर मुझे कॉलेज मिलता है तो वहां पर ले लूंगा। उसके लिए बोनाफाइड में सारा आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ रहता है कि ये सब डॉक्यूमेंट जो है मेरे कॉलेज में जमा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको बोनाफाइड और आपका एडमिशन स्लिप जो कॉलेज से मिलेगा ये लेकर जाना ताकि आपको पैसा जो है फी जो है माफ भी हो जाए। तो इस तरह से आपको दोनों प्रोसेस होने वाला है, दो काउंसलिंग है और आपका आईएएस भवन पटना आपको जाना होगा। और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।